को कल का पूरा टाइम मिल सके, इस चैप्टर को फिर से पढ़ो, मेरे सारे वीडियोस के को शुरू से आप लोग देखना, बिकॉज ये चैप्टर में से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट सेकेंड में पूछे गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, और साथ ही साथ जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है इसको आपको अपने कॉपी के वाइट पेज पर पेंसिल से नोट भी करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पौधे के आपने विभिन्न भागों के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी पहले वाले इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं वो कुछ विशिष्ट कार्यों के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित होने का मतलब क्या है कि उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक विशिष्ट काम को कर रहे हैं। इसलिए तो आइए हम उन्हीं भागों के बारे में आज पढ़ते हैं कि पौधे के किस भाग में किस प्रकार का रूपांतरण क्यों होता है। मतलब रूपांतरण मतलब होता है उसका रूप चेंज होना, क्यों उस प्रकार का रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरण के बाद उसका नाम क्या होता है, उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग डाला है मैंने पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। ठीक, पहला है भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पौधे में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियाँ जो भी भोजन का निर्माण करती हैं, फिर उसको अपने शिराओं द्वारा, शिरा से फिर वो भोजन तने में आता है, और तनों से अगर उस भोजन को इकट्ठा उसके रूट्स में किया जा रहा है, उसके जड़ों में किया जा रहा है अगर भोजन को इकट्ठा, तो जड़ों के आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसका जड़ों का जो रूप होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। गाजर, नॉर्मली आप जड़ देखो, जड़ बिल्कुल ब्राउन कलर की होगी, ठीक है, लेकिन गाजर क्या होती है? ऑरेंज कलर की, रेड कलर की आपने गाजर देखा होगा। और गाजर क्या है? एक जड़ है जो कि भोजन को एकत्रित करने के कारण शंकु का रूप ले लेती है। दूसरी जड़ है मूली। मूली वाइट कलर की हो जाती है भोजन के एकत्र होने के कारण, कभी फूल जाती है और फूल कर दुर्ग रूप की आकृति ले लेती है। शलजन, शलजन जो होती है भोजन के, शलजन की एक जड़ है और भोजन के एकत्र होने के कारण वो कुंभी रूप ले लेती है। ठीक है, मतलब एक घड़े का शेप, कभी शलजन को देखो वो एक घड़े का शेप ले लेती है। ठीक, डहेलिया, डहेलिया जो होती है पुलकित जड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। शकरकंद जो है वो कंदिल जड़ का रूप है। इसमें से गाजर, मूली, शलजन, गाजर को हम बोलते हैं शंकु रूप, मूली को बोलते हैं दुर्ग रूप, शलजन को बोलते हैं कुंभी रूप। ये तीनों जो है मुस्ला जड़ है, डहेलिया पुलकित जड़, शकरकंद कंदिल जड़, ये दोनों जो है वो अवस्थानिक जड़ का रूप है। ठीक, उसके बाद भोजन संग्रह के लिए तनों में भी रूपांतरण होता है। तने भी क्या करती है? अपने आप का रूप ट्रांसफॉर्म कर लेती है। आलू जो आप खाते हो, हर सब्जी का एक मेन प्रोडक्ट है। सब्जी में आलू ना रहे तो बोलते हैं सब्जी कंप्लीट ही ना हो। तो आलू जो है वो एक तना है जिसमें कि भोजन संग्रह होने के कारण उसका रूप बदल गया है। तो आलू को हम स्तंभ बोलते हैं। अदरक भी एक तना है, ठीक है, और इसमें भोजन को संग्रह होने के कारण इसको प्रकंद बोलते हैं। अरहर भी एक तना है और उसको घनकंद का नाम दिया जाता है। आलू स्तंभकंद, अदरक प्रकंद और अरबी घनकंद। इसके अलावा मतलब पौधों में कुछ और चेंजेस भी होते हैं। आपने देखा होगा बरगद, बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें से इस तरह से जड़ें लटकी हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। तो ये क्यों लटकती हैं? ये जो रूपांतरित, ये भी एक तरह से रूपांतरित जड़े हैं, और ये इनका काम होता है वृक्ष को मजबूती प्रदान करना। इसी तरह से आपने लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, ये सब के भी प्लांट आपने देखे होंगे अगर, तो उसमें तना जो होता है इस तरह से कॉइल कॉइल के शेप में आ जाता है, और उसको हम किसी भी मतलब अपने छत पे चढ़ा देते हैं या मचान बनाते हैं उसके ऊपर हम इसको फैला देते हैं। तो ये भी एक तरह से रूपांतरित तना है, ठीक है। और ये रूप किस लिए आया है? क्योंकि इन लोगों का जो तना होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, तो इस तरह से किसी भी मजबूत लकड़ी पर या किसी भी रॉड पर अगर हम इसको प्रतान बोलते हैं, इसको अगर हम रोल रोल करके चढ़ा दें तो वृक्ष फिर उसके ऊपर, उसके सहारे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा।
तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैं जस्ट इस वीडियो के बाद ही सारे अभ्यास प्रश्नों के फोटो आपको भेजूंगी, वो अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेना। और अगर व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम लोग को भेजने से मना किया गया है, तो आप एक बार स्कूल के ऐप में भी देख लेना, ठीक है। स्कूल के ऐप पर भी ये सारे वीडियोस रहते हैं अवेलेबल। और उसके अलावा जो कुछ भी मैं मतलब अभ्यास प्रश्न भी करवाने वाली हूँ, वो भी स्कूल ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये चैप्टर कम्प्लीट है, कल का एक दिन है आपके पास, आप बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करना। और इस बार यूनिट टेस्ट सेकेंड जरूर से इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लाना। आपको मैं यूनिट